बोलिए धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां है, जो उसे प्यारा लग जाए धर्मराज उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज को किसने बनाया? निरंकार ने। जो निरंकार को प्यारा लग गया हिसाब कौन पूछेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटनाएं, भगत जलन जी हुए हैं, भगत जलन जी वो राजमिस्त्री का काम करते थे, भगत पर दसों नौ की कीर्ति करते थे साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ईंटें लगाने, पत्थर लगाने, चूना लगाना, महल बनाने, घर बनाने, राजा के जितने भी काम होते थे उसमें मिस्त्री का काम। शाम के वक्त जब काम खत्म होता तो सारे मजदूरों को दिहाड़ी दी जाती, तो जो राजा का जो मुंशी था वो सबको दिहाड़ी देता था, सबको बुलाता था, आप पैसे ले, आप पैसे ले, या तेरा हिसाब ले, सबको तेरा तेरा करके बुलाता था। पर देखता था कि ये जो भगत जलन जी हैं ये नाम में जुड़े रहते हैं, पास में बैठ के ये सबसे आखिर में उठ के आते थे, जब सब ले लें अपना नाम सिमरन में बैठे होते थे। जब सारे चले जाते हैं तो मुंशी सबको तू तू करके बुलाता था, पर इनको कहता था भगत जी आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत जी आइए, अपनी दिहाड़ी ले लीजिए, रिस्पेक्ट से बुलाता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय आ गया, अमृत वेले का समय, भगत जलन जी बैठे सिमरन में लीन, आवाज आई उन्हें। अब इतनी अवस्था हो चुकी थी कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी, उन्होंने देखा जमदूत जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जमदूतों को रोक लिया, बुलाया अपने पास, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे जो राजा का मुंशी है उसका समय पूरा हो चुका है, उसे लेने जा रहे हैं, धर्मराज ने बुलाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज के पास उस मुंशी का हिसाब होगा, और लेने हम आए तो जायज है कि वो नरकों में ही जाएगा, बड़े पाप कमाए हैं उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत जलन जी अत की कमाई, कहने लगे धर्मराज को हमारा सुनेहा देना। कहने के ये मुंशी भगत जलन को बड़े आदर भाव से बुलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट से बुलाता था, इसका लेखा पढ़ना नहीं पार देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक भगत की अथॉरिटी देखिए कितनी कितने चैलेंजिंग वे में कह रहे हैं जमदूतों से, कि धर्मराज से कहना कि मुंशी का लेखा पढ़ना नहीं पार देना, क्योंकि ये हमें इज्जत से बुलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी इस बात को प्रमाणित करती है, क्या कहती है श्रवण कीजिए। तुद सालाहन तिन तन पल तुद सालाहन तिन तन पल नानक का धन सोई जे को जियो कहे ओ ना को जम की तलब ना हो जे को जियो कहे ओ ना को जम की तलब ना हो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम जपने वालों को आदर देता है, केवल आदर देता है, रिस्पेक्ट से बुलाता है, जमदूत हाथ नहीं लगा सकते, बाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, वैसे इस वचनों का बहुत लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, पर फिर भी महापुरुषों के वचन है। कहते थे देखो ना कोई साधु के भेष में भी है चाहे नकली है, रिस्पेक्ट करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस भेष की रिस्पेक्ट कर लो। पर इस बात का फिर कई लोग गलत फायदा उठाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कमाल की बात है सत्संग जी, नाम नहीं जपा मुंशी ने कभी,
पाप किए नरकों में जाना था, पर केवल एक भगत को रिस्पेक्ट से बुलाता था कि भगत जी आइए, बचा गया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों क्यों जो हर का प्यार सो सबना का प्यारा, सो सपना का प्यार।